1 by 7 multiplied by 5 by 9 into 63 is equals to 5. Are, welcome to your Pyarasa channel, MBA Wala. Welcome to your Batch CAD Essentials. Welcome to a revolution. teach ka revolution? So, for all CAD 2024 aspirants, guys, first of all, this is Rahul Bartla, your quant faculty from MBA Wala channel. अब यहाँ पर हम एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम आपको एसेंशियल चीज़ें सिखाएंगे जो आपकी कैट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है अदरवाइज बहुत बार ये बीच में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करवा देती हैं बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं आती होती तो कभी कभी आपकी जर्नी से आपको ऑफ ट्रैक कर देती हैं आप टरने लगते हो क्यों क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन होता है पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ जो कैट को या कैट एग्जाम आई या बढ़िया बढ़िया बिजनेस स्कूल्स को एम कर रहे हैं अब होता क्या है गाइज़ यहाँ पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेटर हैं आपसे राइट कुछ लोग जो आपके जैसे हैं कुछ लोग जो आपसे थोड़े से वीक हैं तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम एवरेज मैथमेटिकल बैकग्राउंड और बिलो एवरेज मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, हमारे दिमाग से निकल चुकी होती हैं या हमको कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं पर वो ट्रिक्स हम लोग लगा नहीं पा रहे होते हैं। और कुछ बच्चे जो कि एक्चुअली में क्वांट में गुड हैं मैथमेटिक्स में गुड हैं वो भूल जाते हैं कि ये मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं का है एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम है राइट right? आप पढ़ लेते हो अच्छे से सात आठ महीने बीत जाते हैं कॉन्सेप्ट सीख लेते हो फिर क्या होता है कि जब आप आप मॉक टेस्ट लगाने जाते या आप करने जाते हो हो या सैंपल करने बन रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप उस चालीस मिनट में बाईस सवाल में से सिर्फ नौ या आठ या दस ही कर पा रहे हो और उस वजह से आपका स्कोर नहीं आता एंड देन यू कीप थिंकिंग कि वो लोग कैसे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं कि उनका एक क्वेश्चन इतनी जल्दी हो जा रहा है दैट दे आर एबल टू मेक इट अप टू

इन्वेस्टेड द लेफ्ट अप ये सब क्वेश्चन पढ़ के हमको लग जाता है कम से कम एक दो मिनट क्योंकि हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं हम एक्स मान रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं वाई मान रहे हैं जेड इक्वेशन बना रहे हैं पर आज की क्लास के बाद आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हो गए देखना चाहते हो देखो गाइस मैं इस क्वेश्चन को अभी आपको समझ में आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता ये सभी हम सीखने वाले हैं अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता कि हम मान लेता कि मिस्टर राहुल के पास हंड्रेड रुपीज थे थर्टी परसेंट रौरा सर को दे दिए तो हंड्रेड में से थर्टी चला गया बचा सेवेंटी फिफ्टी परसेंट रिमेनिंग विनीत सर को दे दिया थर्टी फाइव और चले गए बचे थर्टी फाइव थर्टी फाइव को इन्वेस्ट कर दिया और वो डबल हो गए यानी कि ये हो गए सेवेंटी अब हंड्रेड लेके आए थे 70 तक पहुंच गए यानी नीचे चला गया इज डिक्रीज इतना लिख रहा है एक बच्चा दैट इज वाई एबल टू डू क्वेश्चन इन क्विक टाइम देन यू एंड इफ यूर फॉलोइंग दिस अप्रोच परफेक्ट एंड देन वी मेनी मोर प्लांटेड फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन जिसको नहीं समझ में आया दैट अ लॉट टू लर्न फॉर यू मीनस मतलब आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और तैयार करते हैं अगेन अ वेरी वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ कैड एसेंशियल्स क्वांट परसेंटेज की बात करेंगे आज हम पूरा पूरा एंड विल टॉक अबाउट द लेक्चर नंबर वन माइ से राहुल बाटला योर क्वांट फैकल्टी ठीक है गेम स्टार्ट करते हैं पहले एकदम बेसिक सीखेंगे बेसिक से उठाते 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 तक ट्रिक्स लेके जाऊंगा ट्रिक्स से आपके कुछ एक आध के एट के पीवाई के यूज भी दिखाऊंगा और जाते जाते तक आप भी इतना फास्ट हो जाओगे कि आप एक बढ़िया नंबर एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होगे याद रखना हर बार हंड्रेड एज्यूम नहीं करूंगा मैं पिछले क्वेश्चन की तरह चले तो अभी तक तो ठीक हो है हो गई बातें लेट्स स्टार्ट द गेम नाउ आ जाओ बेटा टॉपिक्स परसेंटेज और रेशियो कैसे रिलेटेड हैं क्या होता है क्या परसेंटेज रेशियो एक ही बात है सारी बातें करेंगे हाउ डू एज्यूम नंबर एक नंबर को कैसे एज्यूम किया जाए राइट एक्सम्सन प्लस यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आज हमारी क्लास का मोटा मोटा मुद्दा या मोटा मोटा टॉपिक्स याचर स्टार्ट करते हैं गेम. मतलब 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 क्या होता है? मतलब Cent, मतलब मतलब सौ में से कितने हो फॉर एग्जांपल एक बच्चा दस नंबर लाता है बीस नंबर में से अगर इसी रेट से चलता रहे तो ये सौ में से कितने नंबर लाएगा 50 अब ये तो पहुंचे, से पहुंचे, पर एक्चुअली में हम ऐसे तो निकालते नहीं रहेंगे तो कैसे चलेंगे वो बात देखेंगे पर अभी परसेंट का मतलब क्या है कि आप हंड्रेड में से कितने लाते ट्वेंटी में से टेन लाए ठीक है पर अगर हंड्रेड में से होता तो कितने लाते बात ये थी कि भाई ट्वेंटी में से तुम टेन लाते थे आधे तो हंड्रेड में से भी तुम आधे लाओगे दैट लाओगेट है तुम्हारा राइट right? अब परसेंट फायदा करती है हमको कंपेयर करने में पता लगाने में फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं सौ एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं दो सौ किसने ज्यादा स्कोर किया है आप कहोगे दो सौ वाले बच्चे ने नहीं कौन बच्चा अच्छा है दो सौ वाला नहीं आपको टोटल मार्क्स पता थे क्या नहीं पता थे तो मान लेते हैं कि ये बच्चा दो सौ में से टोटल लाया था और ये बच्चा 500 में से टोटल लाया था 200 अब कौन ज्यादा है अब लग रहा है सर सौ नंबर वाला अच्छा लग, प्लेयर है दोनों तरफ हंड्रेड मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी हंड्रेड मल्टीप्लाई इधर भी हंड्रेड मल्टीप्लाई ये आपको दे देगा परसेंटेज अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे जीरो से जीरो कटेगा जीरो से जीरो कटेगा ये हो जाएगा फिफ्टी यानी ये जो बच्चा 200 में से 100 लाया है इसके आए हैं 50% दिस गाय इज इक्वल टू नथिंग बट 50% यहां पे ये कटा ये कटा 5 20 जा इस बच्चे के आए हैं 40% कौन सा बच्चा अच्छा ऑब्वियसली 50% वाला बच्चा जीता और इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब है कि अगर ये बच्चा 200 की जगह 100 में से पेपर देता तो इसके 50 आते मतलब 50 पर सेंट 50 पर 100 आज सौ आयो पर अगर पेपर सौ का होता तो इसके फिफ्टी आते इसी हिसाब से सिमिलरली ये दो सौ नंबर लाया पांच सौ में से पर अगर पेपर सौ का होता आज तो बाद सौ का होता तो ये फोर्टी लाता फोर्टी पर हंड्रेड फोर्टी परसेंट ये परसेंटेज का मीनिंग है एंड साथ ही साथ परसेंटेज निकालना भी आपने सीख लिया अब दो मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट्स आपको मिलने वाली हैं एक इस तरीके की वट इजेंट ऑफ फोर्टी राइट इनको कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करना सीखते हैं ये तो हो गया मीनिंग नाउ व्हाट इज टेन परसेंट ऑफ फोर्टी आइए समझे अगर आपसे पूछे कि फोर्टी का टेन परसेंट कितना है देखो क्या करना है सिंपल बोलो टेन टेन लिख दिया परसेंट मतलब पर और सेंट टेन परसेंट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई फोर्टी मतलब फोर्टी इस तरीके से हम परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे जीरो जीरो कटेगा जीरो से जीरो कटेगा यू विल गेट दी आंसर एज फोर अभी फास्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम में कि मैं सब बिना लिखे आंसर पहुंचा दूंगा पर पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए नहीं तो ट्रिक्स नहीं समझ पाओगे एक बार बेसिक समझ गए तो ट्रिक्स सीखना आसान है नहीं तो ट्रिक्स रटनी पड़ेंगी और रटी हुई ट्रिक्स ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है पर समझ लोगे तो फिर ट्रिक्स आपके साथ हमेशा ऑल लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी वट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ थर्टी वापस से वही बात आप खुद से ट्राई करोगे पॉज करके मैं कर रहा हूँ ठीक है ट्वेंटी पर परसेंट को पढ़ा ही है सो पर सेंट इन टू थर्टी कितना हो गया वापस जीरो से जीरो कटा जीरो से जीरो कटा दैट इज सिक्स वट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई दैट मीन एक्स पर सेंट ऑफ वाई समझ में आगे बात तो परसेंटेज का साइन हटेगा अब ऑन में हंड्रेड आ जाएगा ऑफ मतलब मल्टीप्लाई वाई अब एक्स वाई कुछ भी होता है आप सॉल्व कर लोगे सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड नो सेकेंड इज समथिंग लाइक दिस कि हंड्रेड में से आपके टू हंड्रेड में से हंड्रेड आए थे तो कितना परसेंट है तो टेन इज वट परसेंट ऑफ फोर्टी सिंपल टेन फोर्टी का कितना परसेंट है तो आप टेन बाय फोर्टी लिखो और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर दो जैसे हंड्रेड टू हंड्रेड का कितना परसेंट था? आपने हंड्रेड बाय टू हंड्रेड लिखा इंटू हंड्रेड कर दिया टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड का टू हंड्रेड बाई फाइव कर किया टेन फोर्टी का कितना परसेंट है टेन बाय फोर्टी इंटू हंड्रेड कर दिया कितना आएगा बेटा आसानी से निकल जाएगा जीरो से जीरो कटेगा ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट तो दो चीजें आपको आनी चाहिए एक परसेंटेज निकालना कि भाई अगर आपके हंड्रेड आए हैं फाइव हंड्रेड में से तो कितना परसेंट है और एक किसी पर्टिकुलर नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना जैसे कि फोर्टी का टेन परसेंट कितना होता है ये आना चाहिए तब ये आप आगे बढ़ पाएंगे राइट हो सकता है आपसे बोलते ट्वेंटी का कितना परसेंट है? 200 करो, गेम जा चले जाएगा आपके पास आ जाएगा 40%. X y? तो X, y का कितना परसेंट है गेम खत्म एम आई क्लियर एक बार इसको आराम से नोट कर लो मैं हट जाता हूं दीज टू थिंग्स यू शुड डेफिनेटली नो क्या कि किसी चीज का कुछ परसेंटेज कैसे निकालते हैं दूसरा कि टेन फोर्टी का कितना परसेंट होता है राइट ट्वेंटी थर्टी का कितना परसेंट होता है लाइक दैट वी आर गोइंग टू डू ये तो मीनिंग वाली कहानी थी परसेंट मतलब समथिंग अपॉन हंड्रेड हंड्रेड में से कितने हो पर पर हंड्रेड और दूसरी कहानी ये अब बनते हैं हम लोग थोड़ा सा फास्टर लेट्स अंडरस्टैंड वट इज रेशियो हाउ परसेंटेज एंड रेशियो आर रिलेटेड मान लेते हैं अपने पास एक बीकर है ठीक है इस बीकर में हंड्रेड लीटर मैंगो जूस रखा हुआ है राइट अब एक बच्चा आया उसने आधा मैंगो जूस फेंक दिया आधा मैंगो जूस फेंक दिया मतलब ऑब्वियसली कितना फेंक दिया 50 लीटर तो उसने थ्रो कर दिया अब देखो एक बच्चा है जो हमको कह रहा है कि आपने आधा मैंगो जूस फेंक दिया राइट अगर आपने आधा मैंगो जूस फेंक दिया तो आपके पास आधा ही बचा दैट मीन हाफ बचा और एक बच्चा कह रहा है कि यार मैं हाफ नहीं बता रहा कि हाफ बचा है मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ वो कह रहा है कि देखो आपने फिफ्टी लीटर फेंक दिया फिफ्टी लीटर बचाओ कह रहा है कि सर देखो फिफ्टी बचाए कितने में से हंड्रेड में से कितना परसेंट बचा है फिफ्टी अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड ऐसे निकाली थी आपने परसेंटेज समथिंग टोटल में से कितना इंटू हंड्रेड यही निकाला था यानी कि फिफ्टी परसेंट अब एक बच्चा कह रहा है कि सर फिफ्टी परसेंट है एक बच्चा रेशियो बता रहा है कि हाफ बचा है बात तो दोनों सही कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है भाई एक बंदा रेशियो बता रहा है कि सर हाफ बचा है एक बच्चा परसेंटेज बता रहा है कि फिफ्टी परसेंट बचा है यानी रेशियो और परसेंटेज इंटर रिलेटेड है और हाफ होता है फिफ्टी परसेंट कैसे देख सकते हैं अगर आप सिंपल रेशियो को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द परसेंटेज अब अगर ही मेरे को पता हो तो मेरे लिए बहुत फायदे की चीज हो जाती है क्योंकि अगर मेरे से कल किसी ने बोला फिफ्टी परसेंट राइट किसी ने मेरे से कहा फिफ्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी वन अब मैं परसेंटेज को रेशियो में ले जाऊंगा तो कभी कभी बहुत हेल्प हो जाएगी 50 परसेंट अब मैं मन में चल रहा हाफ ऑफ ट्वेंटी होगा बेटा टेन पॉइंट फाइव ट्वेंटी का आधा बचा टेन पॉइंट फाइव इट सो हेल्प यू ऐसे भी हो जाता मैं फिफ्टी बाई हंड्रेड कर देता काम बन जाता पर अगर सवाल किसी दिन ऐसा हो जाए 14.28% ऑफ 777 अब एक बच्चा तो बेचारा फंस गया क्यों क्योंकि वो ये कैलकुलेशन कर रहा है 14.28 अपॉन 100 into 777 हो गया काम स्वाहा नाउ आइदर ही ओपनस अप दी कैलकुलेटर और इज डन विद द क्वेश्चन अब दूसरा बंदा जिसको पता था कि 14.28% का रेशियो वन बाय सेवन के बराबर होता है जैसे आपको पता था फिफ्टी परसेंट हाफ होता है जिसको फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट पता था वन बाय सेवन होता है तो वो डायरेक्ट वन बाई सेवन इंटू सेवन सेवनटी सेवन करेगा ये भी मन में कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा वन 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 कट जाएगा यानी अगर मेरे को परसेंटेज का फ्रैक्शन या रेशियो पता हो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा इनफैक्ट क्वेश्चन बनाए भी यहां से जाते हैं तो अगर आप कैलकुलेटर से भी इसको जाके सॉल्व करोगे ना जब 14.28 पॉइंट अपॉन ऑटोमेटिकली वन बाय सेवन के पास आ जाएगा वेरी क्लोज फोर्टीन पॉइंट टू एट को सेवन से मल्टीप्लाई करो हंड्रेड मिल जाएगा आपको लग बग, लग बग 7 जा 100 होता है। जिनका रेशियो बढ़िया आता है जैसे फिफ्टीन परसेंट आपका हाफ हो जाता है राइट फोर्टीन पॉइंट टू एट आपका 1 बाय सेवन हो जाता है ऐसे और कितने और मैं कैसे इनको याद कर सकता हूँ क्या कोई ट्रिक है

आपको भी याद हो जाएंगे पर देखो फायदा क्या है इनका पहले ऊपर थ्री आएगा क्या है थ्री बायन है मल्टीप्लाई बाय थर्टी थ्री यानी कि आंसर आने वाला है नाइन इतना सिंपल आपकी चीजें हो जाएंगी राइट बट द पॉइंट हमको ये इसको ऐसे कैसे लिखना है ये सीखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा अब एक्चुअली में आप ट्वेंटी अपन थ्री सिंप्लीफाई कि कौन से परसेंटेज को हम किस रेशियो में या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ठीक है आ जाओ टेन परसेंट किसी का भी फ्रैक्शन निकालना बड़ा आसान है बेटा

फोर बाय टेन या फिर ऐसे सोच लो टेन फोर जा तो वन बाय टेन फोर जा फोर बाय टेन अब आपको पकड़ में आ गया होगा कि ये फाइव बाई टेन होगा ये सिक्स बाय टेन होगा ये सेवन बाय टेन होगा ये एट बाय टेन होगा और ये नाइन बाय टेन होगा एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर सेवेंटी परसेंट सेवन बाय टेन सेवेंटी बाय हंड्रेड एक जीरो एक जीरो उड़ा जहाँ पर दिक्कत लगे वीडियो को पॉज करो खुद से परसेंटेज का साइन हटाओ अपॉन बाई हंड्रेड कर दो तो आपको दिखने लग जाएंगे सही है अब जब फिफ्टी परसेंट फाइव बाई टेन यानी कि हाफ था राइट फिफ्टी परसेंट क्या था बेटा हाफ फाइव बाई टेन आया था फिफ्टी परसेंट क्या था बेटा फाइव बाई टेन आया था जिसको मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके वन बाई टू भी लिख सकता हूँ सही बात कि फिफ्टी परसेंट फाइव बाई टेन यानी कि हाफ अगर फिफ्टी परसेंट हाफ है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या होगा सोच के बताना मुझे बेटा फिफ्टी परसेंट से आप ट्वेंटी फाइव परसेंट पगे आपने आधा कर दिया तो ये हाफ भी तो आधा हो जाएगा और हाफ को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा वन बाई फोर हाफ हाफ कर रहे हो इसको भी अपॉन ऑन टू कर दिया इसको अपॉन ऑन एक और टू कर दिया फोर हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना हो गया वन बाय फोर हाफ का आधा यानी ये आ गया आपके पास वन बाय फोर अब एक बार आपके पास ये आ गया तो आप आगे जा सकते हो इनफैक्ट आप जानते भी हो ट्वेंटी फाइव परसेंट को हम क्या बोलते हैं क्वार्टर राइट वन बाय फोर ट्वेंटी फाइव से इधर जा रहे हो मल्टीप्लाई बाय थ्री हो रहा है तो इधर जाओगे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय थ्री ये बन जाएगा थ्री बाय फोर ये बात चमकती होगी बेटा देखो बेटा यहाँ से आप यहाँ गए कितना किया आपने मल्टीप्लाई बाय थ्री तो यहां से यहां जाओगे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय थ्री सिमिलरली इधर से इधर जाओ यहां से यहां जा रहे हो आप क्या करो सेवेंटी फाइव का आधा ये तो यहां से यहां जाओगे ये भी क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा थ्री बाय फोर का आधा कितना हो जाएगा थ्री बाय एट जब आप हाफ करते हो तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते जाएंगे टू मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमनेटर में होते जाएंगे ऐसे ही बताओ ट्वेंटी फाइव परसेंट का आधा ट्वेल्व पॉइंट फाइव वन बाई फोर का आधा वन बाई एट आधा करो तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नाउ दीज आर समथिंग विच कैन यू रिमेंबर कर सकते हो यार डिफिकल्ट नहीं है देखो एक बार अच्छे से समझो टाइम लो पॉज करो हाँ सही है देखो हो क्या रहा है फिफ्टी परसेंट हाफ है दिखता है ट्वेंटी फाइव परसेंट उसका आधा वन बाय फोर ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट उसका आधा वन बाई एट सिमिलर लिमिटेड फॉर सेवेंटी फाइव एंड थर्टी ये वाला कैसे याद रख सकते हैं होता है 14 .28%. देखो यू इट 14, 28. 14 .28 का आता वन 14 इनिशियली right? आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा याद करने है, पर याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि इससे ये सब जो क्वेश्चन है हवा में खत्म हो जाते हैं आपने देखा कल को मेरे से आप बोलोगे फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट ऑफ फोर्टी टू मैं इसकी जगह सीधा क्या चिख दूंगा वन बाय सेवन वन बाय सेवन मल्टीप्लाई फॉर्टी टू सेवन से फॉर्टी टू के सिक्स आंसर चमका के नहीं चमका इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि कल को जब आप क्लासेज में हो गए हमारी रेगुलर वाली फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट को आपका टीचर लिख देगा वन बाय सेवन सोल्यूशन में लिखा होगा वन बाय सेवन मल्टीप्लाई बायोटी टू सर ये कहाँ से आ गया नाउ दैट इज वाई यू नीड टू नो कि फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट वन बाय सेवन होता है ये कटा होगा यहाँ से सीधा सिक्स लिखा है एंड नाउ यू आर टू स्टेप्स अहेड फ्रॉम येलोमेट्स याद करने का तरीका आसान है टेन परसेंट वाली लाइन तो बहुत ही आसान है बाय हंड्रेड होती जा रही है यह कहानी आसान हो गई फिफ्टी हाफ होता है तो ट्वेंटी सीख लिया फोर्टी पॉइंट टू एट सेवन की टेबल चल रही है याद रखना को देखो क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है हाँ सर यह बेटा एलेवन की टेबल नहीं चल रही है और वही काम कर दिया आपने एलेवन के आगे पॉइंट भी वन वन लगा दिया ट्वेंटी टू का आगे पॉइंट भी टू टू थर्टी थ्री के आगे पॉइंट भी थ्री थ्री और ये नाइन की टेबल चल रही है नौ अठारह सत्ताईस छत्तीस फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर सिक्सटी थ्री सेवनटी टू एट्टी एन एज एंड और वही टेबल आपने यहाँ भी लगा दिया एटीन के साथ पॉइंट वन एट दिख गया ये चल रही है इलेवन की टेबल ये चल रही है नाइन की टेबल क्रिस क्रॉस करो ये किसकी टेबल चल रही थी बेटा ये वाली टेबल चल रही थी आपकी इलेवन की तो यहाँ पर आप नीचे लिख देना नाइन जहाँ इलेवन की टेबल आएगी वहाँ आप नीचे लिख देना नाइन ठीक है जहां भी इलेवन की टेबल आएगी वहां आप नीचे क्या लिख दोगे नाइन रिमेंबर इट इलेवन की टेबल मतलब नीचे नाइन बात समझ में आई और जहां नाइन की टेबल जब इलेवन की टेबल नाइन ले गई तो है तो नाइन की टेबल इलेवन ले जाएगी यहां पे सबके पास नीचे क्या आएगा इलेवन चमका सिंपल याद रख पाओगे कर पाओगे याद स्ट्रेट फॉरवर्ड सर न्यूमरेटर क्या आएगा ये तो ठीक है इलेवन की टेबल थी तो नीचे नाइन आ गया नाइन की टेबल थी तो नीचे इलेवन भाई भाई ने आपस में इंटरचेंज कर लिया अब ये इलेवन बन जा था ना तो यहाँ वन लिख दो ये इलेवन टू था ना तो टू लिख दो ये इलेवन का तीसरा मल्टीपल था तो थ्री इलेवन का फोर्थ मल्टीपल फोर फिफ्थ मल्टीपल फाइव सिक्स मल्टीपल सिक्स सेवन्थ मल्टीपल सेवन एट्थ मल्टीपल एट्थ ये नाइन के मल्टीपल थे तो नाइन के कौन से थे फोर जा 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 सोचो हमारे लिए काम कितना आसान हो गया कल को उसने हमको उठ पठान क्वेश्चन दिया कुछ ऐसा कैसा फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव परसेंट ऑफ वन 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 अब बच्चा पगला आ जाएगा कहकर ये क्या बवाल दे दिया तुमने फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू वन 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 करू मैं कैलकुलेटर चाहिए ना किसका मल्टीपल है ये नाइन का नाइन का मल्टीपल है तो नीचे क्या आएगा इलेवन भाई बंधु बलटेंगे नाइन का कौन सा मल्टीपल है फिफ्थ तो ऊपर के लिखोगे फाइव ऑफ मतलब 1 कर लो कितना होगा इलेवन वन जा जीरो जा वन जीरो जा. आंसर भी आ गया बेटा डन

1 जा, 3 जा, तो कितना कितना हो गया? ये 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 इसका ये बेटा? By फिर ये इसका इसका आधा, आधा, आधा आधा बेटा? फिर आपको ये वाले कभी कभी पूछ लेता है, और ये मैंने मल्टीपल बार देखे राइट right? ये ज्यादातर आपके सिंपल इंटरेस्ट कम्बाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है क्योंकि इस तरीके के रेट हो सकते हैं आठ पॉइंट तीन तीन अफकोर्स जब कैट क्वेश्चन बनाता है थोड़े से रेलिवेंट नंबर देता है तो किसी भी बैंक का इंटरेस्ट ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पच्चीस परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है तीस परसेंट पर एट पॉइंट थ्री थ्री के आसपास होता है और कभी कभी सेवन पॉइंट वन फोर परसेंट के आसपास इंटरेस्ट होता है वो नंबर इसलिए दिया गया ताकि आप वन बाई फोर्टीन यूज कर सको ताकि जिसको आता है वो अच्छे से गेम खेल सके तो आई होप गए जहाँ तक की कहानी क्लियर हो चुकी है राइट अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं तो बारी आपकी इस क्वेश्चन को करके दिखा दो एंड नाउ यू नो दैट पॉज करके ट्राई कर देखना कितना फास्ट हो जाएगा फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट कितना हो गया सर वन बाय सेवन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई थर्टी सेवन पॉइंट फाइव याद करो सेवेंटी फाइव कितना था थ्री बाय फोर उसका आधा है यानी कि थ्री बाई एट सेवेंटी फाइव से नहीं पकड़ के तो फिफ्टी हाफ ट्वेंटी फाइव वन बाय फोर राइट ट्वेंटी फाइव वन बाई फोर ट्वेल्व पॉइंट फाइव वन बाई एट और ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव थ्री जाए ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक सौ बारह क्वेश्चन खत्म सेवन एट 2 फिफ्टी सिक्स होता है थ्री टू इट सो गाइस इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज परसेंटेजेस कैन बी एब्सोल्यूटली कन्वर्टेड इन टू ठीक है so चलें आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं राइट right, प्रॉब्लम में देख लेते हैं अब नॉर्मल बढ़िया से फ्लो वर्ड्स बनाएंगे गेम खत्म करेंगे इन अ सिटी ऑफ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड पीपल ठीक है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड पीपल थे स्लोली स्लोली करो मेरे साथ साथ वीडियो पॉज कर करके एक एक लाइन पढ़ पढ़ के थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट अपने लिए ये नहीं है अपने दिमाग में ये क्या चल रहा है वन बाय थ्री मैंने याद रख रखे हैं अगर अभी आपको याद नहीं है तो वो जो मैंने पीछे टेबल बनाई थी उसको लिख लो उसको अपने सामने रखो अभी देख देख के कर लो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट मेरे लिए वन थर्ड है ऑफ द पीपल एज मोर देन 40 तो 40 प्लस वाले कितने हो गए मेरे दिमाग में क्या है थर्टी थ्री पॉइंट सेवन थाउजेंड और कितना करोगे कितना आ जाएगा 9,000 9,000 खत्म हो गए अब या तो आप यहाँ पर ही लिख दो इंटू ट्वेंटी पर यह मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप मन में कर सको चीजें तो फिर ये सब मन में होंगी राइट right? एंड 44.44 परसेंट अपने दिमाग में तो क्लियर है 44.44 परसेंट .44 क्या होता है क्या होता है सर किसका मल्टीपल है इलेवन का तो नीचे क्या आएगा नाइन भाई पलटते हैं याद रखना इलेवन का फोर्थ मल्टीपल तो ऊपर क्या आएगा फोर बाय नाइन अब फोर बाय नाइन इससे मल्टीप्लाई कर लो इन टू तो इसका फोर बाय कितना हो गया नाइन थ्री जा थ्री थाउजेंड थ्री इंटू फोर तो बारह जो लोग हैं हमारे वो कितने हो गए लेस देन ट्वेंटी समझ में बात की नहीं यही खत्म

4 by 9 if we know that we are faster and we can do more questions on the day of exam isn't it chala jaye all right aa jao beta is pe ab ye tumhara ek bar pause karo try karo main hat jata hu screen se try it out wapas नॉर्मल सा फ्लो चार्ट एंड गेम खत्म ठीक है नॉर्मल सा फ्लो चार्ट एंड गेम खत्म मैं मान रहा हूं आपने question पढ़ लिया इन अ क्लास ऑफ 99 स्टूडेंट्स आ जाओ वापस 99 स्टूडेंट्स 22.22% परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन रेड हाउस ठीक है यहां से रेड हाउस वाले निकालो कितने हैं बेटा 22.22% परसेंट आप जानते हो 11 का मल्टीपल नीचे आएगा 9 11 का दूसरा मल्टीपल ऊपर आएगा 2 2/9 99 9 11 जा 11 2 जा 22 रेड हाउस वाले हो गए 22 खत्म बात डन आगे बढ़ो ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है कौन से हाउस वाले हैं ये येलो वाले तो येलो वाले लिखते हैं अब बेटा इसका आप फ्रैक्शन जानते हो ट्वेंटी सेवन क्या होता है नाइन का मल्टीपल नाइन का मल्टीपल तो नीचे क्या आएगा इलेवन नाइन थ्री जा होता है तो थ्री लिख दो अब इलेवन नाइन जा हो जाएगा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन हो जाएगा ट्वेंटी सेवन येलो वाले हो गए राइट आगे बढ़ो 50 परसेंट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स अब बेटा इसका ध्यान रखना रिमेनिंग 50 परसेंट टोटल का नहीं ट्वेंटी टोटल स्टूडेंट था स्टूडेंट्स पर फिफ्टी स्टूडेंट्स ऑफ लिखा क्या लिखा है तो 50 अगर आपने कर दिया, सब बर्बाद सब मेहनत पे पानी 50% परसेंट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स की बात करा तो पहले कहानी की चेन अलग बनाओ अब बताओ रिमेनिंग कितने बचे थे उसके बाद उनका फिफ्टी परसेंट होना जरूरी है 99 नाइन का फिफ्टी परसेंट नहीं करना ना 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 नाइन्टी ना परसेंट ना। का फिफ्टी स्टूडेंट 99 नाइन का फिफ्टी परसेंट बोल रहे थे नहीं वो बोल रहा है फिफ्टी परसेंट ऑफ रिमेनिंग पहले रिमेनिंग पता लगाओ 99 नाइन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू हो गए के कितने बेटा ये ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी नाइन खत्म हो गए 99 नाइन में से फोर्टी नाइन बच चुके हैं बचे कितने फिफ्टी तो रिमेनिंग है फिफ्टी स्टूडेंट्स अब बात करो तो इन रिमेनिंग स्टूडेंट जो कि फिफ्टी थे उसका फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट मतलब कितना आधा यानी ये पच्चीस बच्चे कौन से हाउस के आर इन ग्रीन हाउस तो ये रिमेनिंग से बेटा बच के रहना कैट में जितना भी क्वेश्चन आएंगे ना वो रिमेनिंग को पिक्चर में लेके आएंगे हमें याद रखना है कि जब भी रिमेनिंग की बात हो जाए अपन पहले एक अलग चेन बना लेंगे रिमेनिंग बच्चे पहले अलग निकाल लेंगे उसके बाद की कहानी अलग चलेगी अलग लाइन में क्लियर अब आ जाओ आगे ये ग्रीन हाउस में हो गए देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्लू हाउस तो ठीक है कुछ नहीं बता रहा तो हमें मान के चलना पड़ेगा अभी चार ही हाउस है राइट तो ये हो गया रेड येलो ग्रीन बचे हुए ब्लू ब्लू हाउस हाउस के कितने हो गए बेटा ऑब्वियसली क्लियर ए पे टिक लगाओ गेम खत्म मैं एक बार हटता हूँ आप सोल्यूशन देख लो क्वेश्चन पढ़ लो एंड नोटिस कि मैं कैसे सिर्फ फ्लो चार्ट बना बना के कर रहा हूँ कोई equations नहीं कुछ नहीं एक फ्लो चार्ट हमारे परसेंटेज से रेशियोज में जा रहे हैं और एक बार में काम खत्म करते चले जा रहे हैं क्या बात क्लियर होती है राइट right? चलो तो ये रिमेनिंग का ध्यान रखेंगे ठीक है जैसे रिमेनिंग फ्लो चार्ट आगे बढ़ेगा रिमेनिंग निकालना उसके आगे से दोबारा शुरू करना आ जाओ अब थोड़ा सा और फास्ट बनते हैं क्वेश्चन बोला वट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर्टी एक तो आप जानते हो कि आपने कहा सर ट्वेंटी परसेंट को मैं टू बाई टेन लिख दूंगा अभी तो आपने सिखाया था ट्वेंटी बाय हंड्रेड रहा होगा आप एक एक जीरो काटा होगा टू बाई टेन हो जाएगा इन टू फोर्टी कर रहे हैं राइट right? तो एक तो है कि मैं इसको सीधा इसका फ्रैक्शन लिख दूँ टू बाय टेन जिससे कट के फोर हो के एट आ जाएगा राइट बट अब तो मेरे पास एक और फास्टर तरीका है उसको सुनो ठीक एक और फास्टर तरीका है उसको सुनो ये तरीका तब तक चलेगा एक तो आपने रेशियो वाला सीख लिया एक तरीका है जब बात हम करें टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट कैसे निकाल सकते हैं देखो सोचो ट्वेंटी परसेंट क्या लिखा होगा ट्वेंटी बाय हंड्रेड लिखा होगा तो जब आपके पास टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सेवेंटी ये टाइप की परसेंटेज है इसके लास्ट में जीरो लिखा हुआ है राइट जैसे कि मान लेते क्या लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है ट्वेंटी तो के, के पास भी था यानी एक एक जीरो तो कटने ही वाला है ना तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसा नहीं पकड़ सकता फोर बाय टेन फाइव बाय टेन सिक्स बाय टेन सेवन बाय टेन और मैं जानता हूं कि इसका मतलब क्या होने वाला है जीरो पॉइंट फोर इसका मतलब क्या होने वाला है जीरो पॉइंट फाइव ऐसे सिक्सटी परसेंट क्या होने वाला जीरो पॉइंट सिक्स ट्वेंटी परसेंट क्या होने वाला था जीरो पॉइंट टू क्या मैं इसको दिमाग में अगर ऐसे लिख देता जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लायर फोर्टी में डायरेक्ट एट नहीं लिख पाता क्योंकि फिर तो मेरे लिए चलता है इसका पॉइंट हटाओ ये जीरो कटा टू फोर जा एट यानी मैं ट्वेंटी परसेंट इंटू फोर्टी कर लिख रहा था टू फोर जै एट।, एट एक जीरो एक जीरो, एक जीरो ये दो जीरो हंड्रेड ले गया होगा परसेंट की वजह से नीचे कितने होंगे दो जीरो एक जीरो एक जीरो बचा गया टू फोर जा एट अगर बात क्लियर होती है तो एक बार इस पर और देखूँ थर्टी परसेंट ऑफ फोर्टी वन हंड्रेड परसेंट की वजह से नीचे हंड्रेड आएगा ये दो जीरो खत्म हो गए होंगे एक ये हटा है, देते हैं दो जीरो खत्म बचेगा क्या थ्री इंटू फोर हंड्रेड टेन सर ये दो जीरो ये परसेंट के जो दो जीरो आगे वो ले गया माइंड से हटा दो तो थ्री इंटू फोर हंड्रेड टेन कर दो कितना हो गया वन टू थ्री जीरो खत्म आंसर कुछ लिख ही नहीं रहे एक और ट्राई करो फोर्टी परसेंट ऑफ फोर्टी टू एक जीरो ले गया एक जीरो बचाओ आप ध्यान रखना राइट right, दो जीरो नहीं है हर बार दो जीरो थे कट रहे थे यहाँ पे भी दो जीरो कटे कट गए टू फोर जो आंसर आया अब नहीं है कोई बात नहीं तुम्हारे दिमाग में रखो कि नीचे का एक जीरो बचाए फोर इंटू फोर्टी टू हुआ फोर फोर जो सिक्सटीन पर एक जीरो बचा हुआ है नीचे का पॉइंट लगा दो क्या फर्क पड़ता है 168 10 ही तो है ना एक जीरो बचा हुआ पॉइंट लगा दो यानी पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई कर लो पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई कर लो पॉइंट टू से मल्टीप्लाई कर लो सिक्सटी परसेंट में पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई कर लो जीरो है तो पॉइंट वैसे मर जाएगा और नहीं है जीरो तो तुम मल्टीप्लाई कर लेना पीछे एक डेसिमल खींच देना समझ में बात की नहीं यहां मैंने पॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया यहां जीरो था मैंने पॉइंट हटाया जीरो हटाया टू फोर जो एट यहां मैंने पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई किया जीरो था हटाया थ्री इंटू फोर हंड्रेड टेन कर दिया यहां पॉइंट फोर से किया जीरो था ही नहीं मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फोर से वन सिक्सटी एट आया पॉइंट पीछे खींच दिया यहां पर मैंने कहा पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करना है पॉइंट वन से मल्टीप्लाई किया थ्री पॉइंट थ्री आ गया या फिर मैंने वन से मल्टीप्लाई कर लिया थर्टी थ्री आ गया और एक पॉइंट पीछे खींच दिया इज इट क्योंकि एक जीरो ही कटा था एक जीरो तो बचा हुआ है तो कैसे भी सोच लो बट यू कैन डू इट क्वाइट फास्टर मतलब अगर आपसे बोला गया थर्टी परसेंट ऑफ फोर्टी टू थ्री इंटू फोर्टी टू करो थ्री सिक्स थ्री फोर जो ट्वेल्व एक जीरो कटा होगा पॉइंट का थ्री का पॉइंट बचा है वो यहाँ लगा दो समझे बात जब आप पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉइंट बचा है अभी राइट right? ऐसे ही अगर बात होगी ट्वेंटी परसेंट ऑफ 810 आप किससे मल्टीप्लाई करो पॉइंट टू से टू से मल्टीप्लाई किया कितना है यहां लगा दो या फिर अपॉन का सोच के जीरो से जीरो काट दो आप यहां से कर दो एट्टी वन इंटून टू वन सिक्सटी टू तब भी वन सिक्सटी टू आएगा पॉइंट भी जगह होगा तब भी वो आएगा पर फास्टर तो बनना पड़ेगा अगर समझ गए तो ये वाला तुम्हारा फोर्टी परसेंट ऑफ लड़स से ट्वेंटी किससे मल्टीप्लाई करना है पहले तो फोर से बिंदास मल्टीप्लाई कर दो सत्तर एटी एट एक जीरो एक जीरो खा गया होगा बचा होगा एक जीरो जो कि पॉइंट दे जाएगा या फिर 0.4 फोर इंटू विच इज 8.8 तो ये एक लाइन में करना है बात समझ में आती है क्लियर एक और कर देता हूं मैं आपके लिए 30 ऑफ ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जा 36. एक जीरो एक जीरो से खत्म हुआ होगा एक जीरो बचा है वो यहां पॉइंट जाएगा, राइट right? और decimal, decimal से सोचो, अगर आप डिवाइड बाई टेन करना चाहते हो तो उससे सोचो बात एक ही है पर करना तो पड़ेगा इतना फास्ट चलो एक आपके स्टार्ट करो बड़ा बट चारों में आपको दिखाता हूं फिर मैं एक साथ लिखूंगा दिस इज फॉर योर होमवर्क ठीक है आराम से टाइम ले लेकर आगे मुझे आंसर बताना मुझे पता चल जाएगा आपने पकड़ लिया है शॉर्टकट से करना है देखो मेरे दिमाग में मल्टीपल तरीके चलते हैं या तो पॉइंट थ्री से फॉर्म मल्टीप्लाई करूंगा या मैं सोचूंगा नीचे का हंड्रेड है दोनों जीरो खत्म होगा थ्री फोर्थ जै ट्व आंसर राइट अब यहाँ पर जब जीरो जीरो नहीं कटते तो मैं पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ वन से करोगे फोर्टी फाइव आएगा पॉइंट वन से करोगे फोर पॉइंट फाइव आ जाएगा अरे फिफ्टीन परसेंट का क्या करूँ दिमाग लगा बेटा ये तेरे मन में चलेगा टेन परसेंट ऑफ फोर्टी टू प्लस फाइव परसेंट ऑफ फोर्टी टू इट हो गया फिफ्टीन परसेंट टेन परसेंट निकालना बड़ा आसान है एक पीछे खींच दो फोर पॉइंट टू हो गया रिजन इट एक जीरो घटा होगा पॉइंट वन से करना है अब टेन परसेंट अगर फोर पॉइंट टू है तो फाइव परसेंट कितना होगा ऑबली टू पॉइंट वन भाई किसी चीज़ का टेन परसेंट और किसी चीज का फाइव परसेंट उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा एप्सोल्यूटली होगा तुमने परसेंटेज आधी कर दी नंबर भी आधा हो जाएगा इट तो फोर पॉइंट टू प्लस टू पॉइंट वन कितना हो गया थर्टी फाइव को भी तो मैसेज सोच सकते हो कैसे सोच सकते हो थर्टी परसेंट प्लस फाइव परसेंट राइट किसका करना है ऑफकोर्स ऑफ फोर्टी टू ऑफ फोर्टी टू थर्टी परसेंट करने का मतलब पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करना है आप तो थ्री से कर लो थ्री से क्या कितना है? थ्री टू जा सिक्स थ्री फोर जा ट्वेल्व करना कितने सर थ्री से नहीं पॉइंट थ्री से ये आ गया पॉइंट थ्री से फाइव परसेंट बेटा ओवरली सीखने की को कोशिश करो टेन परसेंट कितना है फोर पॉइंट टू राइट फाइव परसेंट कितना है फोर पॉइंट टू का था यानी कि टू पॉइंट वन कितना हो गया 14 अब इफ यू अंडरस्टूड ऑल दिस परफेक्ट। और अगर नहीं आया तो वापस से जाओ और ये शॉर्टकट सीखो बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक यू फास्टर एंड ये शॉर्टकट सिर्फ परसेंटेज तक सीमित नहीं है ये आपको काम आएंगे प्रॉफिट लॉस में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में सो वी हैव टू गेट आवर हैंड्स ऑन सच स्मॉल हैलकुलेशन वी कैन रिलाई ऑन आवर माइंड राइट चलो परसेंटेज इंक्रीज डिग्रीज की बात करते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं ठीक है मान लेते हैं क्वेश्चन आता है कि 50 से एक नंबर हो गया क्या परसेंटेज इंक्रीज है क्या परसेंटेज डिक्रीज है सिंपल सी बात 50 से 75 जाते जाते तक आपका नंबर कितना बढ़ा ऑब्वियसली जब आपने यहाँ से यहाँ जम लगाई आपने 25 का गेन कर लिया है परसेंटेज कितनी हुई गेन कितना गया 25 का कितने थे 50 पे थे नीचे हमेशा बेस लेनी है पच्चीस है पचास पर 25 फाइव है फिफ्टी पर तो ट्वेंटी फाइव बाईटी इन टू हंड्रेड फिफ्टी टू जा आपका नंबर छोटा हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है कितना छोटा हुआ है आप दस से नीचे चले गए सी योर ट्रिक कम इंटू पिक्चर वन बाय थ्री वन बाय थ्री कितना होता था बेटा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट की तो बात हो रही है डन एट दिस टाइम दिस इज डिक्रीज क्लियर तो ये है आपकी कहानी परसेंटेज इंक्रीज डिग्रीज की मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स की जब आप टेन परसेंट ऑफ समथिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ समथिंग थर्टी परसेंट ऑफ समथिंग की बात कर रहे हो आपके रेशियोज की जब आपके पास नंबर आते हैं फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट राइट फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव परसेंट एन ऑल थिंगट्स गो अहेड एंड लेट्स सी हाउ टू एज्यूम अ नंबर नाउ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी यहाँ तक बेस था जो थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को क्योंकि नया सा होता है तो आई होप आपने यहाँ तक पकड़ लिया होगा अगर आपको पीछे वाला एरिया में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है गो बैक वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन एंड देन प्रोसीड फ्रॉम हेयर बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट सम प्रॉब्लम सम्स तो पीछे वाला पक्का कर लो हाथ सेट कर लो जो सारे क्वेश्चंस मैंने करे उनको खुद से एक बार ट्राई जरूर करो राइट right? फिर मेरा सॉल्यूशन देखो एंड देन चेक राइट अब देखो आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पॉज करके अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें होने लगती है क्वेश्चन कहता है मिस्टर राहुल गेप थर्टी परसेंट टू रिमेनिंग टू मिस्टर विनीत मिस्टर राहुल इन्वेस्टेड द मनी लेफ्ट विद हिम इन अ स्कीम द मनी इन वन ईयर फाइंड बाय परसेंटेज द मनी डिक्रीज फॉर मिस्टर राहुल इन एंटायर ट्रांजेक्शन अब बच्चे के सामने पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उसको समझना है और दो मिनट के अंदर करना है ये बात तो मान के चलना कि भाई जब कैट में सवाल आता है तो मल्टीपल सिनेरियोस हो रहे होते हैं और हम वहाँ पे घबरा जाते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ना सीखा ही नहीं हम इक्वेशन बनाने भागते हैं कि मान लेते हैं मिस्टर राहुल के पास एक्स रुपीज थे फिर थर्टी परसेंट दे रहे थे तो थर्टी परसेंट ऑफ एक्स और इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन बनाना निकल जाते नहीं जब सारी बात परसेंटेज की चल रही है या रेशियो की चल रही है कि उनके पास कुछ थे कुछ परसेंटेज दिया उसका कुछ परसेंटेज दिया करते करते कुछ बचे वो डबल हो गए सब रेशियो में चल रहा है और फिर लास्ट में कितना परसेंटेज इंग्लिश डिग्रीज वो फाइनली पूछ भी आपसे परसेंटेज रहा है आप एक नंबर मानोगे और गेम खत्म करोगे कैसे देखते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को लाइन लाइन बाय पढ़ो पढ़ो सिर्फ इतना मिस्टर राहुल थर्टी परसेंट टू मिस्टर रोरा हंड्रेड मानने का फायदा ये होता है कि हंड्रेड से थर्टी आपने परसेंट दे दिया तो थर्टी दे दिए किसको हमारे रोरा सर को तो बचे हुए कितने हो गए आपके पास सेवेंटी ये क्या है आपके पास रिमेनिंग राइट right? अभी रिमेनिंग को तो आप समझ ही गए हो कि कैट जो है रिमेनिंग रिमेनिंग बहुत खेलेगा राइट right? तो ये काम तो अपना हो भी गया वी आर स्टेप अहेड फ्रॉम द क्वेश्चन क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप खत्म राइट बस याद ही रखना कि आप मान के चलो कि जो राहुल जी लेके आए थे वो लेके आए थे कितने हंड्रेड रुपीज लेके आए थे स्टार्टिंग में फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल नहीं ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग कितना ये मिल गया किसको विनीत सर को इसका फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट मेरे दिमाग में चल रहा कितना होता है आधा इसका आधा गया क्या थर्टी फाइव रुपीज और गए किसको विनीत सर को तो हमने पहली लाइन रिजोल्व कर दी है थर्टी दौरा सर को दिए बचे सेवेंटी सेवेंटी का आधा यानी कि थर्टी फाइव फिफ्टी परसेंट विनीत सर को अब इनके पास फाइनली जो बचे हैं वो थर्टी फाइव बजे दिस इज द रिमेनिंग लेफ्ट ओवर अब अगली लाइन जाते हैं मिस्टर राहुल से बचे थर्टी जो है और खुद से ट्राई करोगे तो आप देखना है कितना फास्ट हो जाएगा जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैं कुछ सॉल्व कर रहा था ना वो यही क्वेश्चन था और वहां देखना मैं कैसे सिर्फ लाइन लिखते लिखते काटता गया था चार्ट ही बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी बट दैट विल टेक टाइम पहले चार्ट बना बना के सीखते हैं ताकि सब कुछ क्लियर रहे नोट्स अच्छे आए राइट right? दो लाइन तक सॉल्व हो चुका है सौ रुपए लेके आए थे ये हमने माना ये हमारा एजम्स था विच वी नो इज गोइंग टू हेल्प अस असन मेकिंग इक्वेशन रोरा सर को दिया थर्टी परसेंट गए फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग सेवेंटी परसेंट थर्टी फाइव विनीत सर को गया बचा हुआ थर्टी फाइव रिमेनिंग इसको स्कीम में डाला राहुल जी ने और डबल हो गया और सेवेंटी रुपीज हो गए राइट अब बोल रहा है कि बताओ कितने परसेंटेज से इनका पैसा बढ़ा या कम हुआ स्टार्ट किए थे हंड्रेड से सारे ट्रांजेक्शन के बाद राहुल जी के पास कितने आ हाँ गए भाई डबल हो गए ये सेवेंटी सो दैट मीन्स आर राहुल सर इज फ्रॉम हंड्रेड टू सेवेंटी परसेंटेज तो डिक्रीज हुई है कितना नीचे गए हो आप थर्टी से नीचे गए हो यानी थर्टी परसेंट डिक्रीज हुआ है हंड्रेड मानने का एक और फायदा कितना डिग्रीज हुआ है थर्टी तो थर्टी बाय हंड्रेड करोगे बेस तो ये है इंटू हंड्रेड 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 कटेगा सीधा थर्टी परसेंट यानी जब आप हंड्रेड मानते हो तो एक फायदा यह और होता है कि अगर आपके ट्वेंटी लास्ट में कम हो गए तो ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज बारह लास्ट में बढ़ गए तो बारह परसेंट इंक्रीज वट एवर नंबर इज शिफ्टेड फ्रॉम हंड्रेड दैट इज दर्सेंटेज इट सर क्यों क्योंकि आप क्या करोगे आप लिखोगे सर थर्टी बाई हंड्रेड इन टू हंड्रेड हंड्रेड तो कट ही जाएगा ना भाई तो हंड्रेड मानने का फायदा ये है कि परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है हंड्रेड से बेस भी हंड्रेड है गेम दिस इज इज योर आंसर सो पर्सन रादर मेकिंग जस्ट राइटिंग

चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन कह रहा है इन 2018 10% ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास 2019 30% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आल्सो लेफ्ट द क्लास 2020 ईच ट्वेंटी ब्रॉट अनदर स्टूडेंट फाइंड द नेट परसेंटेज नोटिस करो वापस सारी की सारी बात परसेंटेज पे हुई कहीं कोई बात ऐसी नहीं हो रही कि भाई एक साल में 30 स्टूडेंट्स आ गए ये 25 स्टूडेंट्स चले गए फिक्स नंबर नहीं है ये होता तो टेंशन हो जाती

वो बोल रहा थर्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स राइट अब जब बात करोगे ऑफ़ द इसलिए मैंने निकाला है तो इसका 30 कितना जीरो ले गया होगा। बचे कितने? 63. तो करते कराते हम वापस इस तक पहुंच गए स्टूडेंट्स बचे हैं और हमको सिर्फ और सिर्फ दो छोटी सी टेबल लगी तो अगर हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स मालूम हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मालूम हो तो गेम बड़ा आसान हो जाता है तो करते कर तक मैं यहां पहुंच गया हूं कि भाई पहले सौ में से दस परसेंट यानी कि टेन बच्चे भाग गए बचे नाइन्टी क्योंकि ये बात क्या कर रहा था थर्टी परसेंट ऑन द रिमेनिंग अगर आप ये रिमेनिंग मिस कर गए तो सब फिर खराब रिमेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड मिस नहीं करना है तो टेन भाग गए बचे नाइन्टी नाइन रिमेनिंग थे इसका थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट क्या होता है पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करो पॉइंट थ्री इंटू नाइन पॉइंट से जीरो कट गया नाइन थ्री जी ट्वेंटी सेवन 27 और भाग गए isn't it? बच्चे कितने अब ट्वेंटी ट्वेंटी में हर एक बच्चा गया और एक बच्चा और ले आया तो सिक्सटी 63 बच्चे, थ्री 63 बच्चे और ले आए होंगे हर एक बच्चा एक लाया ना नेट कितना हो गया वन ट्वेंटी नाउ द नेट परसेंटेज इनक्रीज आप हंड्रेड से वन ट्वेंटी सिक्स पहुंच गए हो तो आपने ट्वेंटी सिक्स की बढ़ाई करी है और ट्वेंटी सिक्स मतलब हंड्रेड माना ही हंड्रेड में आप जानते उतना सिंपल फ्लो चार्ट एंड यू आर आप समझते हो तो इसको एक बार लिख देना yes, right? डाउट हो रहा है तो पीछे जाओ वापस से दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो वापस से देखो क्या हो रहा है एंड इट विल बी एपसोल्यूटली क्लियर टू यू गाइस ठीक है एक और सवाल करते हैं ये आप लगाओ ठीक है पॉज करके खुद से ट्राई करो फिर मैं चलता हूं अब हम लोग अच्छे से नंबर्स जो हैं एज्यूम करेंगे और इस बार वो नंबर हंड्रेड नहीं होगा क्यों नहीं होगा आपको कैसे पता चला वो भी समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ लो पहले ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया इन अ स्कूल अ स्टूडेंट कैन स्कोर ग्रेड ए बी सी और डी इन अ टेस्ट इफ फोर्टीन पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड बहुत बढ़िया 22.22% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट बी ग्रेड बहुत बढ़िया 20% ऑफ द रिमेनिंग गॉट सी रिमेनिंग लेके आए इसका ध्यान रखना है फाइंड ओवरऑल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डी ग्रेड बात तो सर सब परसेंटेज की एज्यूम तो करेंगे सही बात है सर एज्यूम तो करना बनता है बात सारी की सारी परसेंटेज की ही है एज्यूम तो करना बनता है नो डाउट बट अगर आपने हंड्रेड एज्यूम कर लिया इस बार तो देखो क्या हो जाएगा फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अब मैं क्या बोलूंगा कि फोर्टीन पॉइंट टू एट स्टूडेंट्स ग्रेड ए में थे ये तो टेंशन होने लगे कि यार कौन ये कैलकुलेशन करेगा हम एज्यूम इसलिए कर रहे थे कि नंबर अच्छे आए अब हंड्रेड माइनस फोर्टीन पॉइंट टू एट करना पड़ेगा उसका ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू परसेंट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा फंस जाएंगे अभी तक लाइफ में दिक्कत इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे मैं जान नंबर था था। 10%, 30%, 10%, 30%, के नंबर अच्छे दे रहा था टेन परसेंट थर्टी परसेंट टेन परसेंट थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट टाइप के नंबर हंड्रेड मान के चल जाएंगे अब एक बात देखना कि मैं नंबर बढ़िया कैसे एज्यूम करता हूं सुनना मेरी बात फोर्टीन कितना होता है ये नंबर देख के आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है करना चाहिए क्या स्ट्राइक कर रहा है सर वन बाय सेवन स्ट्राइक कर रहा है ये वन बाय सेवन होता था 22.22 परसेंट .22 देख के आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है हाँ सर कर रहा है सर ये तो इलेवन का मल्टीपल है यानी सर नीचे नाइन आएगा इलेवन टू जा तो ये टू बाय आएगा यानी मेरे को ये पता चल गया है कि यार दो फ्रैक्शन मेरे पास लिखे हुए हैं 14.28 परसेंट निकालना मतलब मेरे को नंबर को वन बाई सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जब मैं एज्यूम ही कर रहा हूँ तो अगर मैं सेवन का मल्टीपल एज्यूम कर लूँ तो क्या मुझे फ़ायदा नहीं होगा मतलब जब मैं हंड्रेड एज्यूम कर रहा था और इसका फोर्टीन यानी वन बाई मल्टीप्लाई कर रहा था तो वन बाई सेवन इंटू बात बढ़िया बन नहीं रही थी पर अगर मैं हंड्रेड की जगह सेवेंटी एज्यूम कर लेता तो फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट वन बाय सेवन ऑफ सेवेंटी में आसानी से निकाल लेता टेन यानी जब आपको पता ही चल जाए कि आपके पास कौन सी परसेंटेज है आपको किससे मल्टीप्लाई करना है तो आप यहां पर ऐसा नंबर रखो ना जो सेवन से कट जाए ताकि ये नंबर अच्छा है और जब मुझे पता ही है कि मेरे पास सेवन है और मेरे पास नाइन है ये ट्वेंटी परसेंट छोड़ दो ये तो हैंडल हो जाएगी जब मेरे पास डिनोमिनेटर में सेवन है और डिनोमिनेटर में नाइन है तो मैं एक ऐसा नंबर रखूं जो सेवन से भी कटे और नाइन से भी कटे देखना कितना फ़ायदा होगा ऐसा कौन सा नंबर है जो सेवन और नाइन दोनों से कटता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री अब देखो मैं एज्यूम करूंगा नंबर को सिक्सटी थ्री और मेरा यही क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा पर मैंने कैसे सोचा मैंने इन परसेंटेज को देखा इन परसेंटेज के जो जो भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ रहा था ध्यान से सुनना इस बात को इन परसेंटेज के जब फ्रैक्शन लिखे गए जो जो डिनोमिनेटर मिल रहा था उससे कटने वाला नंबर एज्यूम करना है और सेवन और नाइन से कटने वाला नंबर है सेवन इंटू नाइन सिक्सटी थ्री तो आज मैं मानूंगा मेरा नंबर 63 बच्चे थे अब जब इसमें 14.28% पॉइंट टू एट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट गॉट ए फोर्टीन पॉइंट क्या होता है मल्टीप्लाई किया कितना है बेटा नाइन इजीली आ गया अब यानी नाइन को मिला है ग्रेड ए ट्वेंटी कितना होता है बेटा सॉरी इलेवन का मल्टीपल यानी नीचे नाइन इलेवन टू जा यानी टू 2 नाइन से मल्टीप्लाई करूंगा नाइन सेवन जा सेवन टू जा

यानी बच्चे कौन से हो गए C वाले वाले कितने बेटा हो गए, बेटा, बच्चे D हो गए obviously, और कुछ मिल नहीं सकता तो तो में से इधर बचे को मिला है D. और हमसे बोल रहा है कि ये कितना परसेंटेज है डी वाले कितने है? ये तो बोल रहा है तो डी वाले जो कि थर्टी टू थे थर्टी तो टू कितना है? किसके ओवरऑल परसेंटेज स्टूडेंट्स ओवरऑल कितने थे 63 तो 32 टू बाई सिक्सटी कितना परसेंटेज है इंडो हंड्रेड कर दो आंसर निकाल दो सर ये भला कौन करेगा 32 टू बाई सिक्सटी कौन निकालेगा कैसी बातें कर रहे हो सर दिमाग लगाओ ऑप्शंस भी तो क्वेश्चन का पार्ट है क्या मैं अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता कहीं ना कहीं 32 टू अगर ये सिक्सटी होता तो हाफ बन जाता बन जाता कि नहीं बन जाता और हाफ इन हंड्रेड क्या होता फिफ्टी ये तो बहुत क्लोज टू फिफ्टी होगा तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है ये तो पिक्चर में ही नहीं है सही बात है ही ही नहीं बहुत पास है, है। हाफ ही तो लिखा ऑलमोस्ट पर सर ये तो तीनों फिफ्टी के पास थे मैं कैसे पता लगाऊं सोच बेटा ये हाफ से बड़ा है कि छोटा है ऑब्वियसली सिक्सटी थ्री का आधा होता है थर्टी वन पॉइंट फाइव थर्टीट फाइव होता तो तुम एग्जैक्टली आधे होते और लाते इस बार तुम थर्टी फाइव से थोड़े से बड़े हो यानी कि आंसर फिफ्टी से बड़ा होना चाहिए

एंड इफ यू ट्राई टू गो बैक देशनल अप्रोच अगेन येस इट विल बी ईजियर बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट दैट इज नथिंग फॉर न्यू फॉर यू टू लर्न बट यू विल बी स्लो एंड बाई द एंड ऑफ सेवन एट मंथ्स वेन यूल बी नियर टू कैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देन यूलड़ वही सीख लेना चाहिए था तो आज भले ही टाइम लगे चार बार एक मेथड को देखना पड़े पर सीख लो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज नहीं एंटायर एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में हेल्प करेगा विद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस

आप लाइन बाय लाइन सॉल्व करो लेट्स अगेन स्टार्ट दि मिस्टर राहुल मैं वापस एज्यूम करूंगा वही एज्यूम करूंगा जो पहले किया था एक स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं क्या था हमने किया था कि भाई राहुल जी जो है वो हंड्रेड रुपीज लेकर आ गए सही बात है थर्टी परसेंट इन्होंने रोरा जी को दिया तो रोरा जी जो हमारे हैं वो थर्टी रुपीज लेके चले गए रिमेनिंग हमारे पास बच गए सेवेंटी रुपीज बहुत बढ़िया शाबाश सर ऑफ़ मिले सर सर को तो जो है, वो लेके और अब जो इनके पास रिमेनिंग बच गए हैं लेफ्ट में लिख देता हूँ वो हो गए थर्टी फाइव रुपीज ये तो हमने पीछे किया इन्होंने इसको इन्वेस्ट किया और ये डबल हो गया और आज राहुल जी के पास सेवेंटी रुपीज हो चुके हैं यहाँ तक तो अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं ये हमको अजम्पशन करना आता है ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा अब क्वेश्चन का स्टेप वन हो जाएगा विच इज कॉल्ड एज अजम्पशन ये वाला पार्ट खत्म अब यूनिटरी मेथड देखो कैसे लगेगा अब क्वेश्चन कहेगा कि मिस्टर राहुल इज लेफ्ट विद 1050 रुपीस हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगनिंग अब सुनना बात ध्यान से दो कहानी हुई है यहां एक जो हमारे एजम्सन वाली कहानी है एक जो हमारी रियल कहानी है कही बात है कि नहीं और दो बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक कि मिस्टर राहुल के पास बचा कितना सब कहानी करने के बाद यानी लेफ्ट मनी कितना है इनके पास सब कर आके और दूसरी इंपॉर्टेंट कहानी कि उनके पास कितना पैसा स्टार्ट में था बिगनिंग में था ये दोनों के इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन में इनमें से एक तेरा है और दूसरी पूछ रहा है ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी एक वैल्यू देगा और एक वैल्यू देगा कोई दूसरी पूछेगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, है। अपन इन दोनों को मैच कराएंगे अब राइट रेशियो से यूनिटरी मेथड से अब आ जाओ सन में कौन सी दो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है एक जो दे रहा है कौन सी दे रहा है लेफ्ट विच सब कुछ करने के बाद दूसरी जो पूछ रहा है बिगनिंग वाली राइट तो वो दोनों मैंने लिख दी ये रियल सिनेरियो या एजम्पन सिनेरियो हमें क्या क्या पता है एजम्पन की तो हमें सारी चीजें पता है

रियल सिनेरियो में हमको बता रहा है कि भाई वन जीरो फाइव जीरो जीरो फाइव जीरो रूपीज रियलिटी में उसके पास बच गए थे सही बात है कि नहीं क्लियर डन अब गेम खत्म करो अब गेम खत्म करो तुम्हें एक ही चीज निकालनी है बिगिनिंग वाली कैसे निपटाओगे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस भाई इनका रेशियो तो सेम ही रहेगा ना सब कुछ परसेंटेज परसेंटेज में चला अगर सौ लाया होता तो लास्ट में सेवेंटी बचा होता कितने लाया होगा कि वन जीरो तो का सब पता है रियल सिनेरियो की एक चीज क्वेश्चन देगा एक चीज क्वेश्चन पूछेगा क्या दिया था कि कितने बचे हैं लास्ट में क्या पूछ रहा था बिगनिंग वाले तो इन दोनों क्वांटिटी को एंटिटी को कंसिडर किया किन में वन जीरो फाइव जीरो पूछ रहा है तो एक्स जो पूछ रहा है एग्जाम्पन में सेवेंटी लेफ्ट से बिगिनिंग में लाया था सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस पर बहुत सवाल आते हैं ये आपका यूनिटरी मेथड वाला पार्ट यहाँ से आसानी सॉल्व हो जाएगा बेटा देखो काटें ये जीरो से जीरो कट गया ये सेवन से, से कट जाएगा सेवन वन जा सेवन फाइव जा फिफ्टीन जा जा रहा है तो एक्स इधर आएगा यह इधर जाएगा आराम से सॉल्व करना एक्स आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है बट यू सॉल्व इट ये सेवन फिफ्टी जब हंड्रेड फाइव एक्स इधर हंड्रेड टू फिफ्टी फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज लेके आता गेम खत्म पहला वही जो आपको आता है लास्ट में बस एक चीज ऐड हो रही है कौन सी कंपेयरिंग दी एंटिटीज कौन सी एंटिटीज एक जो दे रहा है दूसरी जो पूछ रहा है यूनिटरी मेथड लगाओ गेम खत्म एजम्पन का आपको हमेशा सब पता होगा कि एजम्पन का तो पूरा सिनेरियो रिजॉल्व कर चुके हो इधर दो में से एक आपको दे ही रहा है तभी तो दूसरी पूछ रहा है ना खत्म डन एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ एक बार चलो पीछे रख रहा हूं देख लो एक बार अच्छे से पॉज करके मैं साइड में हूं डन चलो अब ये वाला तुम्हारा ट्राई करो ट्राई करो ठीक है चलो मैं करने जा रहा हूं वापस वही क्या सिनेरियो है क्लास है कुछ बच्चे इधर कुछ परसेंटेज इधर कुछ परसेंटेज इधर लास्ट में परसेंटेज नहीं पूछ रहा लास्ट में कह रहे फाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रीन हाउस वर फिफ्टी सिक्स तो इस लाइन को हटा दो इसको लास्ट में लाएंगे जब यूनिटरी मेथड लगना होगा पहले आप क्वेश्चन को सिम्पलीफाई मान के इतना सॉल्व कर लो लोजप्शन वाला पार्ट कर लो बाद में देखेंगे अगला वाला पार्ट तो एजम्पन वाला पार्ट देखते हैं इन अ क्लास अ स्टूडेंट हैज ऑप्शन ऑफ चूजिंग वन ऑफ द फोर बहुत बढ़िया बात है थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट जब तक ये टेन के मल्टीपल वाल वाले परसेंट है सौ मानो कोई दिक्कत नहीं है तो हमने कहा हमारी क्लास में बच्चे थे सौ ऑल राइट

हमारे पास ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग की बात हुई थी इसका right? ट्वेंटी बराबर है बेटा? वाले. Blue, वाले तो बचे कितने बेटा में से फोर्टीन गया विच इजी सिक्स और फिफ्टी सिक्स ब्लू और ग्रीन में इक्वल इक्वल बटे हुए तो ट्वेंटी एट हो गया हमारे पास ब्लू ट्वेंटी एट हो गया हमारे पास ग्रीन ये आपका एजम्पन वाला पार्ट तो खत्म से आएगा विच वाला पार्ट तो तैयार हो यहां तक तो सब हो जाने चाहिए। राइट अब देखते हैं कि हमको क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है ये तो कंफर्म है एक हमारा एजम्पन वाला होगा, एक हमारा रियल वाला होगा, राइट अब इसमें से एक एंटिटी हमसे पूछेगा और एक हमको दे देगा करेक्ट तो देखते हैं क्या क्या दे रहा है क्या क्या पूछ रहा है क्लास right? तो की बात करें तो एक्म्पन में तो हमें पता है कितने हमने माने थे हंड्रेड रियलिटी में कितने है? हमें नहीं पता वही पूछ रहा है अब दे क्या रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रीन हाउस कौन से दे रहा है ग्रीन हाउस हाउस के कितने रियल सिनेरियो में 56 हमारे के हिसाब से ग्रीन वाले तो हंड्रेड टू जा तो जाएगा ये उधर जाएगा तो एक्स आ गया अपने पास दो सौ कभी कभी डायरेक्ट ही होता है इंटू टू हो रहा है तो ये भी इंटू टू हो जाएगा दो आंसर यू आर डन इतना सिंपल है चार्ट सेवेंटी परसेंट थर्टी परसेंट यूनिट मैथर्ड यू आर डन टेक योर टाइम ये मुझे नहीं पता था कि मैं ग्रीन और नंबर ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है मैं येलो कंपेयर करता अगर ये मेरे को गिवन नंबर यहाँ पे येलो देता सेम सिनेरियो इनफैक्ट अगर आप देखोगे मैं इस क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन बना सकता हूँ इनफैक्ट बुक छाप दो तुम लोग बैठो और बुक छाप दो यार यहाँ पे ये चीज़ बदलते रहो और बुक बनती चली जाएगी पांच क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे ही बना के दिखाऊं ये देखो क्या क्वेश्चन सेम लग रहा है पढ़ लो सेम है सर ना यहां से लेके यहां तक की कहानी सेम है इस बार फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा फिर से वही पर गिवन चीज बदल दी इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रीन हाउस एंड रेड हाउस वॉर सिक्स यानी जो चेंज आएगा वो सिर्फ मेरे यूनिटरी मेथड में आएगा एक सिनेरियो होगा जम्शन का एक सिनेरियो होगा रियल का जो चीज दे रहा है इस बार क्या दे रहा है इन ग्रीन हाउस और रेड हाउस का डिफरेंस राइट ग्रीन हाउस और रेड हाउस का डिफरेंस, यानी और पूछ क्या रहा है टोटल स्टूडेंट्स जो कि एक्स है बाकी एक्मशन वाला पार्ट में तो अब तक आप चैंप हो गए हो गए इनफैक्ट पीछे वाला क्वेश्चन सेम ही है क्या था बेटा हमने सौ बच्चे माने थे सौ में से थर्टी हमने डाल दिए थे किसमें रेड में बचे हुए कितने थे सेवेंटी सेवेंटी में से ट्वेंटी परसेंट यानी कि फोर्टीन आया था वो येलो में थे बचे हुए फिफ्टी सिक्स थे जो कि इक्वल इक्वल ग्रीन और ब्लू में बट गए थे दैट इज एंड ये सिनेरियो एकदम एग्जैक्टली मैंने आपको सेम दिया पिछले क्वेश्चन जैसा अब पिछली बार आपको जो गिवन चीज थी वो कुछ और थी ग्रीन हाउस के बच्चे थे शायद आज आपको डिफरेंस दे रहा है तो हम देख लेते हैं हमारे एक्जन में क्या है हमारे एक्जम्पन में टोटल तो हंड्रेड ही है और ग्रीन और रेड का डिफरेंस बोल रहा ना बेटा नंबर ऑफ ग्रीन रेड देख लो कितना है रेड में थर्टी ग्रीन में ट्वेंटी as जा रहा है थ्री जा तो हंड्रेड कितने होगा थ्री जा तो एक्स आगे थ्री हंड्रेड गेम खत्म एक्स उधर जाएगा और ये हंड्रेड उधर जाएगा एक्स थ्री हंड्रेड

शर्ट्स प्रोड्यूड इन फैक्ट्री फिफ्टीन परसेंट ये थी ट्वेंटी थी रिमेनिंग एट एटी फोर जीरो पार्ट भूल जाओ ये हमारा जो पार्ट है वो यूनिटरी मेथड में लगेगा यहाँ तक की कहानी सॉल्व कर लो मान राइट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट अच्छे हैं सौ से काम बन जाएगा यू स्टार्ट विद यू हैंड्रेड पॉज पर्व करके करना और जहां भी अटको वहां भी प्ले स्टेप बाई स्टेप करना पूरा नहीं कि आपका आंसर मैच नहीं गया तो पूरा प्ले कर रिमेनिंग फिर फिर तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी इसका कर दिया तो रुको रेस्ट कितनी है बेटा एटी फाइव एटी फाइव हो गई आपकी रेस्ट इनका क्या हिसाब है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन डोमेस्टिक तो ये जो रेस्ट है इनको भेजने का सर टू से मल्टीप्लाई करो कितना आपने एक तो कर एक्सपोर्ट ऑब्वियसली तो एटी फाइव में सेवनटीन के बेटा कितना आ गया सेवनटी फाइव में सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी एट जो है वो आपने एक्सपोर्ट कर दी करेक्ट एजमशन की कहानी खत्म चेन खत्म यहां तक अगर आपने कर लिया तो सेवेंटी परसेंट कहानी आप समझ गए हो परसेंटेज वाले क्वेश्चन तो आप सारे कर लोगे पर यूनिटरी मेथड लगाते हो कि नहीं वो आप देखते हैं राइट right? अब आप पढ़ो इफ द रिमेनिंग से और देखो यूनिटरी मेथड लग रहा है क्या चेक करो लगाओ मैं लगाऊ चलो वापस से एक हमारा एजम्शन वाला सिनेरियो है एक हमारा रियल वाला सिनेरियो है कौन सी क्वान्टिटी इसको देखना है देखते हैं एक गिवन होगी एक पूछ रहा होगा राइट चलो चेक करें इफ़ द रिमेनिंग एट एट फोर जीरो शर्ट्स आर लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट यानी गिवन क्वांटिटी कौन सी है एट एट फोर जीरो एक्सपोर्ट वाले हमको दे रहे हैं रियल के हिसाब से एक्सपोर्ट कितना हुआ है एट एट फोर जीरो हमारे हिसाब से एक्सपोर्ट कितना हुआ है सिक्सटी एट ऑल राइट वेरी नाइस आगे बढ़ाओ कहानी नहीं देन द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस यानी टोटल की बात ही कर रहा है टोटल पूछ रहा है विच इज़ एक्स हमारे हिसाब से टोटल कितना है हंड्रेड गेम खत्म करो गाइस काट पीट मचानी पड़ेगी बट आंसर आ जाएगा काटो बेटा अपने हिसाब से मैं काटता हूँ ठीक है हेल्प करता हूँ तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस सेवनटीन से जा रहा है सेवनटीन फोर जा सेवनटीन फाइव जा एट्टी फाइव थ्री थर्टी फोर फाइव ट्वेंटी फोर वन थर्टी जहाँ चले जाएगा एक्स इधर आएगा इक्वल्स टू हंड्रेड उधर जाएगा वन थ्री 000. if you have got the answer congratulations you have just done a cat 2017 question right now in your very first class if you could do it so these kind of questions are definitely going to be there direct cat ka sawal sirf aur sirf choti si pe. Kya? ye a good assumption make the scenario unitary method you are done

राइट right? इसका क्या मतलब होता है समझते हैं ठीक है इसका मतलब है कि आपके पास 300 तो है ही और उसमें 10 परसेंट और आ गया है तो प्लस 10 परसेंट किसका 300 का ही और आ गया है दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट या फिर आप बोल रहे थ्री हंड्रेड इंक्रीज बाई टेन परसेंट ये भी एक ही बात है राइट right? तो टेन परसेंट मोर देन थ्री हंड्रेड का मतलब थ्री हंड्रेड इतना तो है ही है प्लस टेन परसेंट और आ गया है जबकि अगर बात आपकी कुछ इस तरीके की हो रही होती टेन परसेंट मोर देन की जगह ये ऐसा लिख देता टेन परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड बहुत अलग बात होती इसका मतलब क्या हो जाता मतलब ये ये है right? 10 of 300 तो सिर्फ इतना ही था इसमें तीन सौ तो ऑलरेडी है है उसमें दस परसेंट और ऐड हुआ है बात समझ में क्लियर तो यानी कि टेन परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड बहुत अलग कहानी है टेन परसेंट मोर देन थ्री हंड्रेड बहुत अलग कहानी है तो ये हो गया टेन परसेंट मोर देन थ्री हंड्रेड नाउ देर आर टू ऑप्शन कितना होता multiply 300, ये तो हो, है बेटा, तो चुके हो आप, ना? अब आप इसको 300, प्लस ये ये कितना so, तरीका, पर ये नहीं करने वाले हम. अब जरा यहां से एक दूसरे एंगल पे चलो अगर आप थ्री हंड्रेड कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बेटा यहाँ से वन बचेगा यहाँ से क्या बचेगा टेन परसेंट टेन परसेंट क्या होता है टेन पर सेंट विच इज nothing बट पॉइंट वन आप जानते ट हो, क्या होता है पॉइंट वन या फिर यहां से देख सकते हो जीरो से जीरो कटेगा पॉइंट वन यानी वन पॉइंट वन इंटू थ्री हंड्रेड दिस थिंग इज कॉल्ड एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब देखो ये कितने काम की चीज है मैं ये सब करता ही नहीं ये सब तो नाटक है ड्रामा है टेन परसेंट मोर देन थ्री हंड्रेड का मतलब क्या था वन पॉइंट वन इंटू थ्री हंड्रेड आई वेरेक्टली रिटर्न दैट सोचो टेन परसेंट मतलब पॉइंट वन थ्री हंड्रेड का और बढ़ गया है

अब वन तो था पॉइंट टू एन और बढ़ा दिया वन पॉइंट रहे हो वन प्लस वन तो है तो ही है प्लस कितना ला रहे हो आप थर्टी फाइव परसेंट विच इज अगर चमक गया तो बहुत बढ़िया ये सारे क्वेश्चन आप यू ही निपटा दोगे टेन परसेंट मोर देन टेल्व कितना हुआ बेटा सर वन तो था ही था टेन परसेंट मतलब पॉइंट वन और लिया है यानी कि वन पॉइंट वन एन कितना है एन कितना है ट्वेल्व कितना होता, 11, 12 जा होता है बेटा इलेवन टन थर्टी टू एक डेसिमल है अगला देखो ट्वेंटी परसेंट मोर देन मतलब वन पॉइंट टू वन तो था ही था वन में ही ऐड होगा कितना ऐड होगा ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट क्या होता है पॉइंट टू वन में 50. हो गया बेटा 70 इज इंक्रीज बाय 30% बात वही है इसका मतलब ये है 30% मोर देन 70 70 तो है ही है 30% और बढ़ गया यानी कितना हुआ 1.3 टाइम्स किसका 70 का पॉइंट हटेगा जीरो हटेगा 31791 20 इज इंक्रीज बाय 26% यानी वापस वही कि 26% बढ़ गया कौन 20 26% बढ़ गया मतलब 1.26 20 अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना होता बेटा 252 एक जीरो है एक पॉइंट है एक आगे बढ़ेगा तब भी एक पॉइंट तो रह गया परसेंटेज इंक्रीज एंड डिग्रीज एज वेल बस इतना ही करना है अगर आप ये समझ गए तो डिग्रीज तो बहुत आसान है सेम चीज है टेन परसेंट लेस देन थ्री हंड्रेड मतलब क्या अब अब थ्री हंड्रेड में से कुछ चला गया है कितना टेन परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड यानी थ्री 300 कॉमन लोगे तो पहले जो वन में से ऐड हो रहा था वन में से माइनस हो रहा है 10 परसेंट और 10 परसेंट आप जानते हो और कुछ नहीं है पॉइंट वन ही है बिकम्स नाउ अब मैं यहां से यहां डायरेक्ट लिख देता मतलब अगर आप मेरे से बोलते हो ट्वेंटी परसेंट मोर देन एन तो मैं वन में जीरो पॉइंट टू एड कर देता हूं और मन में क्या बोलता हूँ अगर आप बोलते हो ट्वेंटी परसेंट लेस देन एन तो मैं वन में से ट्वेंटी परसेंट मतलब जीरो पॉइंट टू माइनस कर देता हूं थर्टी परसेंट बढ़ाओगे तो वन पॉइंट थ्री थर्टी परसेंट कम करोगे तो वन में से ही पॉइंट थ्री यानी कि पॉइंट सेवन बचा कहानी वन से ही चलेगी बढ़ाओगे तो वन से बढ़ाऊंगा कम करोगे तो वन में से कम करूंगा क्योंकि उतना तो था ही ना थ्री हंड्रेड तो लेके आए थे उसी के साथ तो ऊपर या नीचे किया तो एक थ्री हंड्रेड तो पड़ा है राइट right? क्लियर एक बार आराम से देखना काम बनेगा फिर उसके बाद ही लगा लेना टेन परसेंट लेस मतलब वन तो था वन माइनस टेन परसेंट कितना जीरो पॉइंट वन ये मेरे मन में होगा अगली बार पहले वाले के लिए कर दिया वन माइनस जीरो पॉइंट एट बचा वन में से पॉइंट टू थर्टी परसेंट लेस हो गया थर्टी परसेंट लेस हो गया तो कितना जीरो पॉइंट सेवन बचा मोर होता तो वन पॉइंट थ्री हो जाता इंटू सेवन इक्वल टू फोर्टी लास्ट वाला आपके लिए छोड़ रहा हूँ करके लाना और मेरे को कमेंट्स में बता देना कि हाँ भाई सर सीख गए मजा आया फोर दिया आज हमने काफी कुछ नया सीखने को मिला

बेटा वन तो था ही था इंक्रीज़ हो रहे हो तो आगे बढ़ो कितना आगे बढ़ना है फोर्टी परसेंट यानी पॉइंट फोर वन से पॉइंट फोर आगे बढ़ा कितना हो गया वन पॉइंट फोर फोर्टी परसेंट पीछे ले जाते तो पॉइंट फोर पीछे जाना है वन से पॉइंट फोर पीछे चला गया पॉइंट सिक्स इट तो अब उसके इतने हो गए पहले फोर्टी थे फोर्टी परसेंट बढ़ गए उसके बाद भी चार नंबर से फेल हो गई कितने आए हैं उसके उसके आए हैं फिफ्टी सिक्स और अभी भी चार नंबर से फेल है तो अगर चार और आते तो पास हो जाती यानी सिक्सटी हो गए आपके पासिंग मार्क्स ये मदम इतना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन बस देखने में डिफिकल्ट है बट इफ यू नो द मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज का गेम खत्म है अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूं तो हमने जो आज मोटा मोटा सीखा एक तो आपने सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लेके जाते हैं वो आपको याद रखनी है टेबल राइट right? दूसरा जो मेन मुद्दा आपने सीखा दैट इज 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 ऑफ की बात सो दिस नथिंग बट आप टू फोर्टी जो करो एट्टी आएगा और एक पॉइंट जैसे ले जाएगा

Then you have understood how to assume plus how to apply a unitary method. Done. So, guys, this is it. So, this is the start to a new revolution. Even if you are a newbie to quant, you understand that yes, it is not going to test you on higher mathematics, it is going to test you on the basic things which you also know. तो ये अगर आपके दिमाग में थाट्स है कि सिर्फ आई आई एन से स्कोर कर सकते हैं राइट या सिर्फ इंजीनियर्स अच्छा ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं जिन्होंने किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करी है वही अच्छा स्कोर कर सकते हैं देन यू आर रॉन्ग बिकॉज कॉन्सेप्ट वही है जो सबको आता है इट्स जस्ट दैट क्योंकि उन्होंने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी तो वो थोड़े फास्ट हो गए दे हैव दी अदर अप्रोचेस हम लोग वही ट्रेडिशनल अप्रोचेस से जा रहे हैं जो हमने बचपन में सीखी थी कौन सी वाली एक्स मानना इक्वेशन मानना बट गेम वहाँ नहीं है So, rather than assuming x, y, z and making equations and spending time, right, and giving a chance to you know, big equations can also lead to sometimes silly mistakes. We are going to apply such approaches and be faster. So, before you start your preparation, understand that is a game of aptitude and as a sub scenario as some approaches, some life classes may use karenge. So, if you already know them, top sub same line pe start honge, whether it is an IITN. A common student, an average student, a good student, or a mediocre student, or even less than mediocre student. So, once you have all the same line, then there is no excuse to ask for. You have all the time, revise all these things, see all these approaches which you might take in the classes. So, that is it for the day. This is your Quant Mentor Rahul Bhatla signing off, and let's continue this revolution with the upcoming classes. Take care. Bye bye and have a great day.